ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ई-मित्र पे जितनी भी राशन कार्ड की सर्विस है उसमें से किसी भी सर्विस को यूज करके आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तब डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं और एक एप्लीकेशन फॉर्म मांगा जाता है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट किस प्रकार से स्कैन कर सकते हैं जिससे कि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करें तब आपको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, कभी भी आपको राशन कार्ड की कोई भी सर्विस यूज करके ऑनलाइन आवेदन करना है तो उससे पहले आप डॉक्यूमेंट स्कैन किस प्रकार से करेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए आप एप्सॉन का स्कैनर होता है उसे ओपन कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर ई-मित्र एप्सॉन यूज करते हैं प्रिंटर और वही स्कैनर यूज करते हैं तो वही मैं बता रहा हूँ। तो आप सबसे पहले आपका एप्सॉन का जो स्कैनर है उसे ओपन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इमेज टाइप के अंदर आप कलर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको 100 से कम रिजोल्यूशन लेना, अगर अधिक लेंगे तो आपकी फाइल अपलोड नहीं हो पाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पीडीएफ फाइल बना रहे हैं, ज़्यादा पेज की जरूरत होगी फिर यहाँ पे मैं पीडीएफ ले लूँगा। उसके बाद दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसे मैं अपने स्कैनर के अंदर रख लूँगा, फ्रंट पेज फर्स्ट वाले पेज को, फिर स्कैन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही स्कैन पे क्लिक करूँगा तो जो फर्स्ट वाला पेज होता है वह स्कैन होने लग जाएगा। जैसे ही स्कैन कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट वाला पेज तो सेकेंड वाला पेज स्कैन करने का ऑप्शन भी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो मैं फॉर्म को बदल लूँगा और सेकेंड वाले पेज को मैं यहाँ पर स्कैन करूँगा, जो बैक साइड का एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है राशन कार्ड फॉर्म के अंदर एक फ्रंट साइड साइड होती है और एक बैक साइड होती है। तो फ्रंट मैं कर चुका हूँ, अब बैक करने के लिए मैं ऐड पे क्लिक करूँगा। सेकंड वाला पेज मैं स्कैनर के अंदर रख के जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो ये वापस स्कैन होने लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर जस्ट क्लिक कर लेता हूँ, कुछ एक देर लेगा। उसके बाद जैसे ही स्कैन होने लगेगा तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने लग जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो ये स्कैन हो रहा है, जैसे ही ये स्कैन कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको देखना है कि आपके स्कैन पेज सही हुए या फिर नहीं, तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला पेज है जो एप्लीकेशन फॉर्म का होता है ये वाला दोस्तों, और ये सेकंड वाला पेज है, दोनों स्कैन हो चुके हैं। ये फर्स्ट हैं अभी आप देख लो और ये हैं सेकेंड। अब दोस्तों ये दोनों पेज स्कैन हो चुके हैं, बिल्कुल सही हैं। तो आप सेव पे क्लिक करेंगे और पीडीएफ फाइल के अंदर ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो मैं सेव पे क्लिक करके इसे सेव कर लूँगा। ये सेव हो चुका है, अभी आप देख सकते हैं दोस्तों ये हो चुका है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो अन्य डॉक्यूमेंट होते हैं जो राशन कार्ड के साथ संलग्न किया तो स्कैन करूँगा एक एक करके। तो ये स्कैन प्रारंभ हो चुका है, जैसे ही दोस्तों ये पेज पूरा स्कैन हो जाएगा उसके बाद जो अन्य पेज है वो भी मैं एक एक करके सभी स्कैन कर लूँगा। अगर एक ही पेज है तो डायरेक्ट उसे आप स्कैन करके सेव कर लेंगे। तो मेरा ये स्कैन हो चुका है और यहाँ पे सेकंड पेज स्कैन करने का ऑप्शन आ जाएगा, ये आ गया है। अब मुझे और पेज को स्कैन करना तो ऐड पे क्लिक करके उसे भी मैं स्कैन कर लूँगा, ये भी सफलतापूर्वक स्कैन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फोर्थ जितने भी करने हैं तो ऐड ऐड पे क्लिक करते जाएंगे, पेज स्कैनर के अंदर रखते जाएंगे और ये सभी डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप एडिट पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो भी स्कैन किया है तो यहाँ पर बता रहा है। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये मैरिज सर्टिफिकेट और आधार कार्ड स्कैन किया तो बता रहा है। फिर मैं सेव पे क्लिक करके इस फाइल को भी सेव कर लूँगा और इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फॉर्म भी स्कैन कर लिया है और डॉक्यूमेंट भी स्कैन कर लिया है। तो इस प्रकार से आप ई-मित्र पे राशन कार्ड की कोई भी सर्विस यूज कर रहे हैं, नाम जोड़ रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं, नया यहाँ पे राशन कार्ड बना रहे हैं और उसके अंदर डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को आप स्कैन करेंगे पीडीएफ फाइल के अंदर। यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन 100 यहाँ पे जो पिक्सल होता है उससे कम रखना है, और इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट भी स्कैन कर लेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म भी स्कैन करके दो पीडीएफ फाइल बना देंगे जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तब आप उसे यूज करेंगे। तो इसके अलावा राशन कार्ड की जितनी भी सर्विस है उनको यूज करना सीखना है तो पहले ही वीडियो बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, तो उन सभी वीडियो को देख के आप राशन कार्ड के अंदर नाम जोड़ना, डिलीट करना या फिर अन्य कोई भी काम करना सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय बाय दोस्तों।